सुबह से इस चुन्नी को ओढ़ करके डोल रही हूँ, और ये देखिए इसके अंदर लगा हुआ है स्टिकर। नहीं नहीं है। देख लीजिए, एक्चुअली ये चुन्नी पता है क्या है, मतलब नहीं कैसे धूलों के धूल्हे होते हैं ना, धूल्हे उनके ना ये पहनी जाती है, शादी का सामान बिकता है तो धूलों की ये भी मतलब कमर पे बांधते हैं ना, वो है ये। तो आए था ये, तो इन्होंने बोला कि एक एक अलग अलग थैली में पैक करना है, पैक कर दियो। तो मैंने देखते के साथ ही एक चुन्नी पे ना हाथ मार लिया, वाइट भी आई है लेकिन ना वाइट पे ना इस पे इस तरह से हो रखा है, नहीं तो इस पे भी एक हाथ तो मैं मार ही लेती, और वाइट की तो मुझे ज़रूरत भी थी। मैं हर्षित को कह भी रही थी कि ना अम्मा से बोलियो कि ना मैं मेरी एक वाइट कलर की चुन्नी ले आएंगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कहलवाने की। जैसे तैसे तो मैंने सूट पहनना स्टार्ट किया है, और फिर ना अभी थोड़ा खुले नहीं हूँ ना, तो फिर ना मतलब वीडियो में मम्मी देखती है, वैसे मुझे है ना उन्होंने कभी भी ऐसे रियलिटी में ना सूट में आमना सामना नहीं हुआ। एक दिन हो गया था, मम्मी रात को दूध देने आती है इनको, तो और ये रात को खाना खा रहे थे, तो मैं रोटियां सेक रही थी, तो उस समय मम्मी आई, तो उस समय मैं खाना बना रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, वीडियो में तो देखते ही है ना। और कुछ हमने वैसे बल्गर कपड़े नहीं पहने हमने, अब तो सभी पहनते हैं, और अब तो शादी को इतने साल हो गए हैं कि है ना चलता है ना, शादी के इतने साल बाद तो है ना बहुएं बेटियों से भी बढ़कर हो जाती हैं, माने तो कोई और ना माने तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल, नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। जहाँ पर वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं कपड़े लेकर के आई थी, अपने रजाई के खोले वगैरह मैं लेकर के आ गई हूँ, और उनको मैंने बक्से पर डाल दिया, घड़ी नहीं किया है। मतलब मैंने आपको बोला था ना कि मैंने बक्से को ना एकदम साफ कर दिया है, उसको गद्दा वद्दा बिछा करके सही कर दिया है, लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग बताए क्या करते हैं, उस पर कपड़े जा करके पटक देते हैं। महान है हम लोग, महान। सबके घर में एक एक कॉर्नर तो ऐसा होता ही है, या एक चेयर तो ऐसी होती है जिसपे कपड़े पड़े रहते हैं। तो आपके घर में क्या है, वो टेबल, चेयर या कोई कॉर्नर, बताइएगा। या आप लोगों ने भी कुछ हाई फाई मतलब वो ला रखे हैं, बैग वैग ला रखे हैं और उसके अंदर भर देते हो। तो मैं भरती नहीं हूँ क्योंकि फिर मूस जाते हैं ना, फिर आयरन मांगते हैं, और मैं हर कपड़े पे आयरन नहीं करती हूँ, इनकी शर्ट पे आयरन करती हूँ, और फिर मैं किसी भी कपड़े पे आयरन नहीं करती हूँ, सुखाती हूँ। और हर्षित के कपड़े होते हैं उनको मैं टांग देती हूँ, प्रेस की आज तक जरूरत नहीं पड़ी हर्षित के कपड़ों पे, इनकी शर्ट पे ही मैं करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा करते हैं कि प्रेस कर, नहीं तो बाकी मैं आज तक मेरा ये है कि मैंने कभी भी प्रेस नहीं करी किसी भी कपड़े पर, अपने पे तो मैंने कभी नहीं करी। एकादशी को 15 दिन में धो देती हूँ इसको, क्योंकि है ना इससे ना कई बार मैं ना पानी वानी है ना हाथ आटे के भी लग जाते हैं, तो इसलिए मैं ना एकादशी से पहले एक दिन पहले इसको धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही लुके वॉर्म वाटर लूँगी तो फिर व्रत सुबह सुबह ही खंडित हो जाए, क्या मतलब है। इसलिए हर एकादशी को मैं इसे धो देती हूँ एक दिन पहले। मुझे फिल करना है, और साथ ही साथ है ना कल सोच रही हूँ कि मैं बना लूँगी छोले भटूरे, तो यहाँ पर मैं ना वही छोले जो है भिगो देती हूँ रात में, ताकि सुबह आराम से बन जाएंगे। पहले भिगोने के लिए निकाल रही थी, फिर मैंने देखा कि थोड़े से ही हैं और मैंने छोले मंगाए हैं, ग्रोसरी का सामान आया ही है, डब्बा उतारा ही है, तो क्यों ना इसके अंदर सामान भर भी दूँ। और ये देखिए इस तरह से नमक डाल करके रखती हूँ ताकि ये ना ख़राब ना हो, और ये चने तो ऐसी चीज़ है ना कि बहुत ही जल्दी ख़राब होता है, तो इसको मैंने भर लिया है इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक इसके अंदर और ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी तेज़पत्ता, क्योंकि ना मम्मी कह रही थी कि तेज़पत्ता डाल दो तो ना ख़राब नहीं होते हैं, तो नीचे है ना दाल वगैरह सब में ना वो तेज़पत्ता ही डाल करके रखते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी तेज़पत्ता डाल लेती हूँ, तो नमक के साथ साथ तो दो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि अब तो गर्मी आ रही है ना, तो गर्मियों में तो और भी जल्दी सारी चीज़ें ना, गर्मियों में तो खैर नहीं, बरसात के मौसम में ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने जो पुराने वाले थे उनको ऊपर की साइड डाल दिया है, जिससे पहले काम में वो आ जाए, और बाकी के ना थोड़े से मैंने निकाल लिए भिगोने के लिए। पर दूध भी गर्म हो गया था तो कृषु के लिए एक गिलास दूध निकाल लिया, उसमें चीनी डाल करके साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि उनको निभाया ही दूध पिलाना होता है ना। और कल है एकादशी, तो एकादशी का फास्ट रहूँगी, तो सोच रही थी कल है ना फलाहारी इडली बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं ना समा के चावल ले आई हूँ, और एक कटोरी समा के चावल ले लिए हैं और एक कटोरी ही साबूदाना, दोनों को मैं भिगो दूँगी। तो यहाँ पर मैं ना वही ना कर रही थी, तो यहाँ पर साबूदाना भी मेरे पास थोड़े से ही थे, तो मैं दोनों को मिक्स करके और बना लूँगी। तो यहाँ पर ना पानी, इसको तो अच्छे से धोना होता है साबूदाना को, और भिगोना होता है, और जो ये साबूदाना होता है इसके अंदर ना पानी इतना डालना होता है कि ना ये भीग जाए, नहीं तो फिर कच्चे रह जाते हैं। ये ना बाहर ही बनते हैं, जैसे पोहे बनते हैं ना भारी, ऐसे ये बाहर ही बनते हैं, कढ़ाई में जा कर के नहीं बनते। खैर मुझे तो पीसना है, अगर थोड़े मोटे भी पीस जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन दोनों को मैंने ना बस भिगो करके रख दिया है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो अभी ही भिगो ना पीस लूँगी 2 घंटे बाद, अदरवाइज़ सुबह के टाइम। एक्चुअली कल बनाने वाली हूँ इडली, फलाहारी इडली बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल एकादशी का फास्ट है ना, तो सोच रही थी कि इडली बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने ऐसी बनाई भी नहीं है, मेरे पास ये वाले समा के चावल थे नहीं ना, तो कैसे बनाती। लेकिन अब आ गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो ना इडली बनाते हैं, तो कल इडली बनाएंगे। तो अभी मैंने भिगो करके रख दिया है, अगर मैं रात को अभी जगी, वैसे तो अभी है ना 8:30 बज रहे हैं, तो अगर मैं जगी हूँ वैसे तो मैं रात में ही बैटर को है ना पीस करके रखूँगी, तो सुबह जल्दी से इंस्टेंटली बन जाएंगी। बनने में टाइम नहीं लगता है, इडली की तरह ही बनना है सेम इसको, बस पीस करके और फिर ना तो मैं रात में ही पीस करके रख लूँगी हो सकेगा तो। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है, यहाँ पे ना कृषु के लिए दूध ठंडा हो रहा है, तो फिर अभी बस भोग लगा करके आऊँगी। और यहाँ पर ना ग्रोसरी का भी सामान आ गया है, तो इसको भी खाली करना है। तो अभी जो छोले अभी मैंने भिगोए हैं, तो वो हाथ डिब्बा उतारा ही था तो हाथ के हाथ भर भी दिया, और इसके अंदर ही रहता है मेरा जो है फलाहार का सारा सामान, अलग से एक डब्बे के अंदर रखती हूँ। पहले उस बड़े वाले में रखती थी, पहले इसमें रखती थी, लेकिन इसमें ना अब चेंज कर दूँगी वापस, क्योंकि मटर अभी ना इतने से ही है ही नहीं, मटर इस बार मटर आए ही नहीं है कि मैं उनको कलेक्ट करके रखूँ। तो अब उनका एक बार बना करके उनको भी नक्की कर दूँगी, तो जगह भरने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये जो सारा सामान आया है इसको मैं एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ और समेट लेती हूँ। ये रहा मेरा पर्चा, मैं इस तरह से लिख करके दे देती हूँ और नीचे भी पर्चा बन जाता है, फिर इकट्ठा सारा सामान आता है, फिर उस सारे सामान में से मम्मी निकाल करके दे देती है जो जो मैं लिख करके देती हूँ। तो यहाँ पर दलिया आ गया है, हल्दी आ गई है, इसमें क्या है, इसमें अरहर की दाल, मैंने राजमा मंगा लिए थे क्योंकि मेरे पास मसूर की दाल रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि राजमा के साथ में मसूर की दाल मिला करके बनाऊँ तो अच्छे लगते हैं। और ये मूंग की दाल मंगाई थी और ये धुली हुई मूंग की दाल। रिफाइंड ऑयल, तो रिफाइंड ऑयल इसलिए मंगाती हूँ एकादशी के व्रत के लिए। एक्चुअली ना एकादशी के व्रत में जो भी खाना बनता है ना, वो या तो फिर रिफाइंड ऑयल में बनाओ, या देसी घी में, या फिर तिल के तेल में बनाओ, इनमें ही बनाते हैं, तो फिर मैं रिफाइंड ऑयल मंगा लेती हूँ। और ये टोमेटो सॉस, और क्योंकि जैसे कभी बनाते हैं सैंडविच वगैरह या फिर उत्पम वगैरह, तो चटनी नहीं होती है, तो फिर ये चाहिए होती है साइड में, कुछ तो चाहिए होता है। और यहाँ पर ये मैदा आ गई है क्योंकि भटूरे बनाऊँगी। और यहाँ पर ये बेसन आ गया है, बेसन भी काम आ जाता है, कभी सब्जी नहीं होती है तो कभी कड़ी बना ली, कभी गट्टे बना लिए, तो चाहिए होता है। जीरा ख़त्म हो रखा था तो जीरा मंगाया है, हींग मंगाई है, साथ में कश्मीरी मिर्च मंगाई है, सब्जियों में रंगत आ जाती है भाई। और ये मंगाया है नमक, नमक तो होना ही होना चाहिए।
और सारी तरीके की दाल मंगाई है। दाल में मैंने मूंग की मंगाई है दोनों तरीके की, और साथ में ना राजमा मंगाया है। इस बार राजमा बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जी थोड़े कम खाते हैं और ना हर्षित भी कम ही खाता है और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तो मैंने सोचा कि कम खाते हैं लेकिन कभी कभी बना लूंगी, तो मैंने मंगा लिया। फिर मेरे पास है ना मसूर की दाल भी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि फिर वो मसूर की दाल का भोग भी नहीं लगेगा और राजमा बिना लहसुन प्याज के बन नहीं सकता, तो मैंने सोचा वो मसूर की दाल इसमें काम आ जाएगी, इसलिए मंगा ली मैंने। और यहाँ पर ये अरहर की दाल, अरहर की दाल है ना सबसे ज़्यादा काम में आती है, हर द्वादशी पे मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। यहाँ पर दलिया आ गया है और ये हल्दी मंगाई थी मैंने, ये चावल आ गए हैं, गुड़ मंगाया था, और यहाँ पर ये सूजी मंगाई है, सूजी उत्पम वगैरह बनाने में काम आती है और हलवा भी बनाने के काम आ जाती है। यहाँ पे सर्फ आया है, और इसके अंदर क्या है, इसमें ना ये उड़द की दाल आई है काली वाली, इसमें कौन क्या है खोलना पड़ेगा तब पता चलेगा, पता नहीं क्या है। ये साबुन है और ये कोलगेट, ये नमक वगैरह, ये तो मैंने सब दिखाई दिया है। ये क्या है, और ना यहाँ पर है इसके अंदर राई, राई मंगाई थी मैंने। यार मैंने ये डब्बे, ये कंटेनर्स मंगाए थे है ना, इसका ये ख़राब हो गया है, इसकी जो ये चुंबक होती है ना ये ख़राब हो गई है। ये होता है अगर इन ड्रॉर्स को काम में ना लो ना तो ये ऐसे ख़राब हो जाती है बंद बंद, इनका काम में लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये मैंने ये वाले जो कांच के कंटेनर्स मंगाए थे ना, तो इनमें अगर कम सामान होता है तो दिखता ही नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा चाहिए ही होता है सामान, और फिर भरे हुए होते हैं तभी अच्छे लगते हैं ना, इसलिए थोड़ा मैंने राई और जीरा मंगाया था। वैसे जीरा ख़त्म भी हो गया था क्योंकि मेरे पास भून कर मैं रखती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार भून कर भी नहीं रखा हुआ है मेरे पास में, तो भूनना भी है मुझे जीरा। तो चलिए इस सारे सामान को है ना फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, सबसे ज़्यादा जोर इसी काम में आता है फिल करने में, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि जो पहले चावल थे थोड़े से उनको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और जो कंटेनर है उसे अंदर से पोंछ लिया है। वैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सफाई करी है, और उसके बाद में जो ये चावल है इनको मैं भर दूँगी इसके अंदर, और जो पुराने वाले चावल हैं फिर मैं उनको ऊपर से डाल दूँगी ताकि जब मैं काम में लूँगी तो पुराने वाले चावल पहले काम में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तेज पत्ता, और साथ में मैं ये डाल रही हूँ एक चांदी का सिक्का। तो इस तरह से ना चावल जो होते हैं ना घर में से कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, ये अक्षत होते हैं। और साथ ही ना इनके इसके अंदर ना अगर सिक्का रख दो ना तो माता लक्ष्मी की कृपा आपकी रसोई में, आपके अन्नपूर्णा माता होती है ना वो, तो आपकी रसोई में आपके घर में ना हमेशा बरकत करती हैं। तो यहाँ पर मैंने भर करके रख दिया है। उसके बाद में जो ये बेसन है, मैदा और सूजी, ये तीनों चीज़ें मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, तो इनकी पॉलीथीन को मैंने पोंछ लिया है और बस इनको रख करके आ रही हूँ फ्रिज के अंदर। और साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्ची जो है वो भी मैं ना फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ मसाले, इससे इनकी जो लाइफ टाइम होती है ना वो बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर मिर्ची का जो डब्बा है उसको भी मैंने यहाँ पर ही लगा दिया है। और कंटेनर्स में जिसमें आपको लग रहा है कि ना ख़राब हो जाएंगी चीज़ें जैसे दाल वगैरह, तो आप पहले तेज़पत्ता बिछा लीजिए बेस में, फिर उसके बाद में आप दालों को भरिए और ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क करके मिक्स कर दीजिए, आपकी दालें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। मैं इसी तरह से दालों को रखती हूँ और वो ख़राब नहीं होती हैं। दूसरे नंबर का बोरिंग काम है, पहले नंबर का बोरिंग काम है कपड़ों को फोल्ड करना, और दूसरा बोरिंग काम है ये इनको ग्रोसरी को फिल करना। आप लोग बताइए कि आपको अपने ना पूरे घर के काम में जो भी आप करते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग काम कौन सा लगता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो सबसे पहले नंबर का है कपड़ों को फोल्ड करना, और दूसरे नंबर का ये ग्रोसरी को फिल करना। वैसे है ना अगर कोई भी बोरिंग काम करो ना तो या तो टीवी चला लो और या फिर ना अपने गाने चला लो मनपसंद, सच में कहना काम करते करते पता भी नहीं चलेगा। वैसे मेरा तो फ़ोन है ना कैमरे की वजह से मैं गाने वगैरह तो नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने मन में ना भगवान का हरे कृष्णा जो महामंत्र होता है उसका जाप करती रहती हूँ मन ही मन में। और हर्षित की पूछते हैं सब लोग कि हर्षित क्या करता रहता है जब आप काम कर रहे हो, तो है ना वो है ना अपनी है ना उसका फाइल वगैरह का काम चल रहा है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना तो फाइल जमा करानी है, तो वो उसी में ही लगा रहता है सारे दिन भर। यहाँ पर पूरी स्लैब को साफ़ कर लिया था, और उसके बाद में ना यहाँ पर ऑयल को भी मैंने भर लिया है,
ऐसे कौन कौन रखता है बताना, ऐसे होता है सारा तेल जो होता है ना वो निचुड़ जाता है अच्छे से, तो इसलिए मैं ऐसे रखती हूँ, आप लोग भी रखते हो क्या बताना। और जो ये मैंने कंटेनर्स मंगाए थे ना, इनका मुंह काफ़ी छोटा है, तो इनको है ना भरते समय ना बहुत सारा सामान है ना फैल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से कागज का ना एक रोल बना लेती हूँ कीप टाइप, और उसको है ना इसके मुंह पर लगा देती हूँ। तो जैसे अगर आपके पास है ना इस तरह की भरने की वो भी आती है चलनी वगैरह, तो वो भी आप है ना ले सकते हो, लेकिन मैं तो जुगाड़ कर लेती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरह से राई को भर लिया है, और राई थोड़ी ज़्यादा ही थी तो है ना ज़्यादा ही भर गई। तो अब मैं क्या करूँगी कि मसालदानी कि मैं भी है ना ख़त्म हो गई थी राई, तो उसके अंदर भर लूँगी, तो सारा सब कुछ सही हो जाएगा। और इसलिए ही मैंने प्लेट लगा दी थी नीचे, ताकि अगर फैले तो उसी के अंदर ही फैले। और ये देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना, हैंडी भी हैं और बड़े क्यूट लगते हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे ये वाले कंटेनर्स। और मेरे पास कांच के ना कुछ ज़्यादा कंटेनर्स नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है टूट जाए तो, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं ना तो पैसे ही नहीं इन्वेस्ट करते, उसके अंदर अपना हार्ट भी इन्वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया, बस कूटू का आटा और सिंघाड़े का आटा नहीं आया। इनको मालूम है कि मैं एकादशी का फास्ट रखती हूँ, तो मुझे चाहिए होते हैं ये चीज़ें, लेकिन नहीं लेकर के आए। अच्छा हुआ कि मेरे पास में ये रखा हुआ था, क्या बोलते हैं ये साबूदाना, तो इसका ही मैं बना रही हूँ। इस 15 दिन का तो हो गया काम, अब अगले 15 दिन पे तो चाहिएगा, तो इनको बोलूँगी लेकर के आए कूटू का आटा और सिंघाड़े का आटा। भाई फलाहार करना होता है ना, खुद ना भी करूँ लेकिन कृषि के लिए तो बनाना ही होता है कुछ ना कुछ। वैसे तो मेरे पास मखाने रखे हुए हैं, अगर कुछ भी ना बनाओ तो मैं मखाने तल के और चाय के साथ वही खा लेती हूँ, और कृषि को भी वही भूख लगा देती हूँ। वैसे सोचा है कल मैं मखाने की खीर बना लूँगी, और साथ में ये इडली बना लूँगी, ये समा के चावल और इसकी साबूदाना की। तो यही था आज का, अभी फिलहाल तो दूध गर्म हो रहा है, और दूध जो भोग का लगाते हैं ना दूध, उस दूध को दोबारा गर्म नहीं करते, एज इट ही पीना होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो थोड़ा सा दूध अलग गर्म करती हूँ फिर उसके अंदर मिला देती हूँ, तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि कृषि को हम है ना थोड़ा सा निभाया दूध पिलाते हैं और भी ठंडा ही हो जाता है वहाँ भूख लगाते लगाते, तो फिर इतना ठंडा पिया नहीं जाता है, तो फिर ना इस तरह से करते हैं। अभी अभी जस्ट वीडियो को एडिट ही कर रही थी यहीं पर ही बैठ करके शांति में, और ये जो जगह है ना ये मेरे ही काम आ रही है, मैं यहाँ पर बैठ करके आराम से वीडियो को एडिट करती हूँ। और वीडियो को एंड नहीं किया था तो सोचा चलो फेस टू फेस आकर के वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और आज मैंने ना ये वाला ये कुर्ता पहना है, और साथ में ये वाले बैंगल्स पहन लिए हैं, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब सिंपल ही हूँ मैं, लेकिन येल्लो पहनती हूँ हमेशा, तो येलो की जगह मैंने फिर येलो दुपट्टा डाल लिया, क्योंकि मेरे पास येलो कोई सूट नहीं था, तो फिर मैंने ना ये दुपट्टा डाल लिया। येलो कपड़े पहनते हैं ना एकादशी पे, तो इसलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।